सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सपना वर्मा फैमिली एंड फूड ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए देखते हैं कि मैं आज कौन सी रेसिपी बना रही हूँ और क्या बना रही हूँ, और मेरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं उस रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ अरबी पत्ते की सब्जी। तो चलिए देखते हैं कि इसे मैं कैसे बनाती हूँ। ये है बेसन, और बेसन में मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल करके इसे मिक्स कर दी हूँ। और इसे मिक्स करते कर देना है बढ़िया से। और ये है चावल का आटा, जिसे मैंने पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम इसमें डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा जो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ बनाया है वो डाल दूंगी मैं यहाँ पे थोड़ा सा, और डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स हो गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे। और ये है अरबी का पत्ता, और इसे यहाँ पे इसमें इसको डालना है, लगाना है अच्छे से। तो देखिएगा इसमें मैं कैसे लगा रही हूँ, ठीक है? ये है मेरी देवरानी, और हम देवरानी और जेठानी मिल करके ये कच्चू पत्ते की सब्जी की रेसिपी आज बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कच्चू के पत्ते में जो बेसन और इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे ना, वो बेसन का घोल, उसको यहाँ पे लेप लगाया जा रहा है। पूरे में लग गया है। अब यहाँ पे दूसरा जो पत्ता है ना उसको डालना है। तो इस तरह से डाल करके इसमें भी लेप लगाना है, इस तरह से करके बारी बारी से 2-3-4 पत्ते को डाल करके अच्छे से लेप लगाएंगे। और इसे राउंड से पत्ते में जितने हैं ना सारे में लग गए हैं, लगा दी हूँ। और ये 3-4 पत्तों का परत है, और अभी इसमें लग गया था। इसे अभी हम राउंड शेप करते हैं। तो राउंड शेप करो, हाँ इसमें भी लगा दो थोड़ा सा। बस फिर ऐसे राउंड शेप करते जाना है, और थोड़ा थोड़ा सा बेसन का घोल जो है उसको लगाते जाना है। अब यहाँ इसे ये राउंड शेप हो गया है इसका। अब इसे हम धागे से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सपोर्ट के लिए इसे बांध देंगे, ताकि ये जो मैं राउंड शेप की हूँ ना ये खुले ना। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इस तरह से इसको बांधा जा रहा है। पे हो गया है पानी गरम, और इस गरम पानी में हम यहाँ पे गरम पानी में इसको ऐसे ही डाल देंगे, और इसे डाल करके कम से कम 10 मिनट तक इसे पानी में छोड़ देंगे उबलने के लिए। ये देखिए अच्छे तरीके से ये उबल चुका है, इसे निकाल ली हूँ। अब इसे हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे इसे। ये सारा कट हो गया है, अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे तेल गरम हो गया है, ये देखिए यहाँ पे अच्छे से हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है ये अरबी के पत्ते। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं।
यहाँ पे सारे पकोड़े को फ्राई कर चुकी हूँ। अब आ गया है मसाला की बारी। तो यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हमने लिए हैं, गरम है और इसी में डाल रही हैं खड़े मसाले और साथ में डाल रही हैं प्याज। प्याज भुनाने के बाद इसमें डाल दी हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे देवरानी बना रही है अरबी पत्ते की सब्जी और साथ में कुछ कुछ मैं हेल्प कर दे रही हूँ। और इसमें डाल देंगे टमाटर, सरसों का पेस्ट इसमें डाल देंगे, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल करके चलाएंगे। जब मसाला हमारा भून गया तब इसमें मैंने डाल दिया ग्रेवी के अकॉर्डिंग पानी। यहाँ पे ग्रेवी उबल चुका है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये फ्राई किया हुआ अरबी। और इसे डालने के बाद हम 10 मिनट तक इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारी अरबी पत्ते की सब्जी जो है बन करके रेडी हो गया है। अब लास्ट में गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे हम हरा धनिया से इसे हम गार्निश कर देते हैं, डाल देते हैं खूब सारा हरा धनिया। अब हम इसे सर्व करते हैं। खाना तो हमारा बन गया और ये देखिए हमारा खाना, और इधर तन्नू बैठी है। हाय। और इधर मुन्नू बैठी है, इधर अनुष्का बैठी है। इधर अब खाना खाते हैं और हमारा वीडियो अब यहीं पर था। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय बोलो बाय।